अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी सलाम इम्तियाज भाई, सर। फरमाए, क्या सवाल है हाँ आपका? शेख, मेरा सवाल था कि जो इंसान मर जाता है उसको सब मरने के बाद सवाब मिलता है ना, नेक औलाद के जरिए और अच्छे कामों के जरिए। तो अगर वो इंसान कोई बुरा काम या गुनाह का काम किसी को सिखाया है, जो इस्लाम में गुनाह का काम है, तो उसमें भी क्या जी उसको मरने के बाद उसको गुनाह मिलेगा? जी जी शेख, सवाल भाई का ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जैसा कि आया है कि कोई इंसान अगर कोई ऐसा काम करके वफात पा रहा है कि उस काम का फायदा लोगों को बाद में भी मिल रहा है कंटिन्यू, तो उसे जी उसका अजर मिलेगा, उसका हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें रखेगा। तो क्या इसी तरह से कोई आदमी अगर कोई ऐसा काम करके मर रहा है जिसकी बुराई भी बाद में कंटिन्यू चल रही है, जी या लोगों को ऐसे काम गलत काम सिखाया है कि उसके मरने के बाद भी वो उस गलत काम पर अमल हो रहा है, तो क्या उसका गुनाह भी उसे मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। और इंसाफ का तकाजा यही है, अदल यही है कि जब उसे सदके जारिया का अज्र मिल रहा है तो वो गुनाह जो इजाद करके वो गया है, जिसपे जिसमें लोग डूबे जा रहे हैं मुस्तकबिल में, तो उसका गुनाह भी उसे मिलेगा। और इसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जी बयान भी किया है कि मन सन्ना सुन्नतन सैयातन, जिसने कोई बुरी सुन्नत की बुनियाद रखी तो बाद में उसको, पहली बात तो उस बुरी सुन्नत के बुनियाद रखने का गुनाह मिलेगा, और उस बुरी सुन्नत पर जो लोग अमल करेंगे उनका उनका गुनाह भी उसे मिलेगा। जी जजाकल्लाह खैर।